नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम यदि अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा परिवार खुश रहे, तो क्या करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे, सारा परिवार, और आप उपाय करें तो सभी को लाभ मिले, तो क्या करें। तो बहुत सिंपल सा मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, वो कीजिए। देखिए, बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे, ये कीजिए वो कीजिए, कोशिश किया कीजिए कि दान पुण्य वाले वीडियो आप ज़्यादा देखें, उससे आपकी भक्ति जागेगी और आपके कर्म बनेंगे। तो आप क्या कीजिए कि आप अपनी छत पर सतनाजा, या तो छत पर या पार्क में, कहीं भी आप सतनाजा, सात तरह का अनाज, जिसमें आजकल बाजरा ना हो क्योंकि वो गर्म होता है तो पक्षी मर जाते हैं, सर्दियों में डालना चाहिए। सात तरह का कोई भी अनाज, दालें ले लें, गेहूँ ले लें, कुछ भी ले लें, सात तरह का अनाज आप अपने परिवार के हाथ लगवा कर उन पर ओम नमो शिवाय का जाप करें, क्योंकि सावन का महीना है। और फिर जिस गुरु, जिस परमात्मा को आप मानते हैं, उनका भी जाप करें, उस डिब्बे को हाथ में ले लें और फिर सभी का हाथ उसमें लगवा दें। फिर उस सतनाजे को प्रतिदिन आप पक्षियों को डालेंगे, चाहे आप पार्क में डाल दें, छत पर डाल दें, कहीं चौराहे में डाल दें, जहां पक्षी इकट्ठे होते हैं वहां डाल दें। आपकी किस्मत बदलने लगेगी, तेजी से लाभ होने लगेगा। यह बहुत ही बड़ा उपाय मैंने आपको बताया है, ये कोई छोटा नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा इससे। धन आएगा, सुख आएगा, पैसा पानी की तरह आएगा, कर्ज मुक्ति होगी, रोग मुक्ति होगी, परिवार में कला क्लेश समाप्त होगा, पुलिस केस, अदालती केस समाप्त होंगे, मनचाही शादी होगी, पति सुख मिलेगा, बच्चे आपके कहने में रहेंगे, परिवार में नज़र नहीं लगेगी, किया किराया नहीं होगा, बहुत कुछ। तो आज से ही शुरू कीजिए। इसके अतिरिक्त एक काम आप और कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी कभी आपको अच्छी बातें तो सुनने को मिल ही जाएंगी, जो आपके मतलब की होंगी। वैसे मैं तो रोज़ाना डालता हूँ, प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूँ उपाय करने की। हल्का फुल्का दान होता है, जो सामान आपके घर में ही होता है, उससे भी आपको पूरा लाभ मिलता है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल का बटन दबा दीजिए, और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए, और यदि कोई सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।